for my subscribers something highly. You can see idhar se zuman dekha wata zuman common common gasa padam pachasan karuriya san insan shahid garai. अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माई न्यू व्लॉग। तो आज उमर ने एक नई गाड़ी ली है, आप देख सकते हो। तो मैं उसकी पहली टेस्ट ड्राइव ले रहा हूँ, तो आप देख सकते हो। मैं अभी बाहर से भी दिखाऊंगा गाड़ी कैसी है। तो मैंने इनकी जीप में पहला व्लॉग स्टार्ट किया है। हाँ मतलब हमारी लेके पहले घर जाते हैं ना ये फॉर माई सब्सक्राइबर्स समथिंग हाईली कुछ बोल सब्सक्राइबर्स के लिए। मम्मा क्या करेंगे बोल। चल ठीक है फिर जाना, लव यू, मुझे कहीं जाना है, मिलते हैं फिर, आके मिलते हैं। चलो लो जी, मैं एयरपोर्ट पहुंच गया उनको रिसीव करने। मेरे गेस्ट आ रहे थे कुछ बाहर से, तो उनको रिसीव करते हैं, फिर देखते हैं उनका क्या प्लान है, कहाँ जाना है, क्या करना है। अगर उनको उनको तो घूमने ही जाना है ऑब्वियसली, अगर उन्होंने माना घर चलना तो घर चलेंगे, अगर नहीं तो फिर कहीं उन्हीं के साथ हूँ मैं एक दो दिन। तो उनको रिसीव करके मिलते हैं आपसे फिर से। गुड मॉर्निंग। तो कल एयरपोर्ट में थोड़ा लेट हो गया था, मैं व्लॉग कंटिन्यू नहीं कर पाया। तो हम एयरपोर्ट से सीधे निकले थे, गए थे हम पहलगाम। वहाँ थोड़ी सी बर्फ़ दिख रही है, बट वहाँ जाना इट्स नॉट पॉसिबल। हाँ माशाल्लाह। तो हम चंदनवारी पहुंचे, आप देख सकते हो ब्यूटी, बट यहाँ बर्फ़ नहीं है। वहाँ वहाँ तक बर्फ़ होती थी, जहाँ पे वो लिखा है ना बोर्ड ITBP, वहाँ तक बर्फ़ होती थी, नीचे से कोई बर्फ़ नहीं, मतलब थोड़ा सा ऐसी। पहलगाम में तो कोई बर्फ़ नहीं मिली, अब ये बोल रहे गुलमर्ग में बर्फ़ होगी। बहुत सारे मैंने कल से देखे टूरिस्ट, वो बहुत ज़्यादा दुखी है, वो बर्फ़ देखने आए थे बट उनको बर्फ़ मिली नहीं यहाँ पे, तो वो थोड़ा सैड हो गया। ऑब्वियसली प्लान बनाया होता है। पिछले साल मैं इन्हीं दिनों यहाँ आया था, इसी जगह पर मेरी गाड़ी फंस गई थी, चैन वगैरह लगानी पड़ी थी। तो इस साल तो पूरा सूखा है, आप देख सकते हो बंजर है पूरा। वो मैं फिर से बोलूँगा मेक ए गुड प्लान वेदर फॉरकास्ट देख के। यू कैन सी इधर से ही पता चलता है कि पहलगाम में ठंड कितनी है। ये देखो वहाँ से पानी आ रहा है नलके में, पता नहीं रात को लीक भी होगा, सारा जम गया विद नलका एंड ऑल। अब देखो तो हम द्रंग पहुंचे हैं, द्रंग से थोड़ा सा नीचे ही है हम। यहाँ पे ना एक जगह पाइप लीक है, आप ये इसका बना हुआ है आइस, यहाँ पे पाइप लीक है। द्रंग यहाँ से कुछ 2-3 किलोमीटर दूर है। यू कैन सी द्रंग वाटरफॉल। ये बर्फ में ज्यादा अच्छा लगता है क्योंकि यहाँ से भी बर्फ होती है, यहाँ से भी बर्फ होती है, बट ब्यूटीफुल लग रहा है बहुत ज्यादा। तो हाथों की क्या हालत हो गई, हाथ पूरे जम गए और बंदे भी हम जम गए, बंदे भी पूरी। गुलमर्ग होटल में एंट्री चल रही है अभी। क्या नाम है इस होटल का? सो वी आर इन मम्मा पैल्स, मम्मा पैल्स गुलमर्ग। तो रूम्स कहाँ से इसके? यहाँ पे। तो इसमें हमें रूम मिला है, है? आपके लिए सेपरेट कॉटेज। अच्छा सेपरेट कॉटेज, ये VIP लोगों के लिए होती है ना? बिल्कुल सर, VIP लोगों। सच में ये भी, हाँ अंदर आइए आप देख लीजिए। तो ये VIP लोगों के लिए बोल रहे हैं ये होती है, तो विल सी। हाँ माशाल्लाह नाइस। ये एक रूम है हमारा, दूसरा रूम कौन सा है? दिस इज लॉबी, दूसरा रूम। माशाल्लाह दिखाना भाई क्या बनाया आपने? ये लो भाई आपके लिए। माशाल्लाह क्या मुजस्मा बनाया है ये संगीत। तो यहाँ पे एक हीटिंग सिस्टम है हमारा, बहुत प्यारा। हाथ काटने चाहिए। चलो काट ही देते हैं। मेरे गेस्ट आए थे तो इन्होंने, इनको मैंने बुलाया आप भी आ जाओ। रेडी फॉर डिनर,
बाहर बहुत ज़्यादा ठंड होगी तो इसीलिए मैंने चेंज किया है, जैकेट डाला है अंदर से और एक स्वेटर डाली है। तो मिलते हैं सीधे डिनर पे। तो सुनो, है यहाँ पे थोड़ी बहुत, है ना, यहाँ पे डिनर रखवाया गया बट यहाँ नहीं कर पाएंगे, ठंड है, अंदर ही करना पड़ेगा। ये सिस्टम मुझे अच्छा लगा इनका। हैव अ लुक, ये देखो कितना प्यारा है, वाओ नाइस स्कूल ना। ये है हमारा डिनर वेज एंड ये है नॉन वेज, माशाल्लाह। तो आई प्रेफर वेज, आई थिंक मुझे वेज में ही मजा आएगा। आ गया हमारा डिनर, इनका रह गया अभी, मेरा हो गया क्योंकि मैं वेज खाता हूँ और बहुत कम खाता हूँ इनकी तरह नहीं। अच्छा, आप तो ये बोल रहा था, ये बहुत ज्यादा खाते हैं ये लोग, देखो चावल रोटी मीट, मुझे एक चीज बताओ ना, पता नहीं क्या क्या, मुझे नाम भी याद नहीं है। मेरा सिंपल है, मशरूम सैलड और कुछ नहीं। नींबू और मैंने दो रोटी खाई। क्या इसने एक्चुअली वो चाय पी, उस वजह से चाय पीने से बताओ किसका पेट भरता है, मुझे एक का बताओ जिसका भर गया पेट चाय। सो हमारा डिनर हो गया, नाउ स्वीट्स क्या खाएंगे, गुलाब जामुन और क्या है, खीर, सेवैया दिखाना, माशाल्लाह सेवैया खाऊंगा मैं, आप गुलाब जामुन खाओ। डन, मुंह का पानी गायब हो गया। हाँ तो आप थोड़ी सेवैया टेस्ट करते हैं ना, खाने के बाद कुछ मीठा हो जाए, गर्म और ठंडा एक साथ। तो रात के बजे 12, कहवा पीने का मन किया, तो कहवा मुझे साथ था, प्राइड का मेरे फ्रेंड का ब्रांड है ये, भाई का, तो कहवा बनाने उठा था मैं यहाँ पे, मगर शुगर के 3 ही पाउच थे, सारे ख़त्म। अब मेरे पास थोड़े से रसगुल्ले थे, सोच रहा हूँ यही डालो इसमें, उससे चीनी हो जाएगी बराबर, देखता हूँ। पहले मैं चेक करूँगा, जो ये मैंने 3 पाउच डाले अगर पूरे हुए होंगे तो ठीक है, नहीं तो मैं फिर यहाँ से रसगुल्ले डालता हूँ। इसमें चीनी बराबर नहीं हो रही है, यह अपना रसगुल्ला ये डाल दिया कहवे में, एंड फाइनली हमारा रसगुल्ला कहवा रेडी। ज़रा देखें कैसा बना, ये आप रसगुल्ला देख सकते हो, रसगुल्ले का क्या हो गया, तो आप टेस्ट से पता चलेगा कैसा बना है। लेट्स टेस्ट रसगुल्ला कहवा, कसम से मज़ा है। और को भाई और को लेता हूँ, भाई रसगुल्ला कहवा पियो। रसगुल्ला, हाँ इसमें मैंने रसगुल्ला डाला, सच में चीनी नहीं थी तो सच तेरे सर की कसम, जरा टेस्ट कर, रखना पहले टेस्ट करना फिर रखूंगा। हाँ अच्छा है ना। ये ले भाई, कैसा है देख। चलो भाई कहवा पियो और गुड नाइट। हाँ अभी यहाँ पे रुके थे हम, अभी चेकआउट का टाइम हो चुका है। ओके भाई, थैंक यू वेरी मच, चले, थैंक यू भाई, थैंक यू सर, लव यू, थैंक यू भाई। चलो चलते हैं, आप चलते हैं गंडोला। अस्सलामु अलैकुम एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो हम आए थे गुलमर्ग, जैसे आपको पता ही है, तो यहाँ पे हमने डिसाइड किया कि शूट भी यहीं पे करेंगे गाने का, क्योंकि मेरा गाना आ रहा है बहुत जल्दी, इसी वीक मेरा गाना आ रहा है, तो उसका शूट यहीं पे गुलमर्ग से बेस्ट प्लेस तो कोई मिल नहीं सकती शूट के लिए। तो हम आए थे, मैं थोड़ा सा फ्री था, मैंने सोचा इस टाइम को यूटिलाइज करते हैं। तो यहाँ पे हमारे भाई मिले हैं, इनका कुछ यहाँ पे टूर एंड ट्रैवल सर्विस है, क्या नाम है उनका, नॉर्थ मिड कश्मीर। तो क्या सर्विस है आपकी, सारा पूरा कश्मीर, जम्मू कश्मीर जो भी पैकेज है वो करवाते हैं, और यहाँ पे जो भी एक्टिविटीज है, विंटर स्पोर्ट्स जो है वो करवाते हैं, और यहाँ की बुकिंग जो होटल्स की बुकिंग रहती है वो कराते हैं। जी सर, तो ये एक प्रोफेशनल स्कीयर भी है, प्रोफेशनल स्कीयर करते हैं आप, तो एक कुछ चॉपर का बोल रहे थे, हेलीकॉप्टर सर राइड रहती है यहाँ पे, अभी सेकंड फेज जो बंद है, सेकंड फेज चालू भी रहता है तब भी चलती है, तो यहाँ से सनशाइन पीक पे, पे तो एरिया,
तो इनकी हेलीकॉप्टर सर्विस भी है सेकंड फेज तक। कितना चार्ज ले दो आप? वो मेरा नहीं है, वो दूसरी कंपनी। वही वही कितना चार्ज? 7000 शॉर्ट राइड का और 12000 लॉन्ग राइड। शॉर्ट राइड का 7000 लेते हैं, लॉन्ग राइड का 12000 लेते हैं। मेरे हिसाब से सस्ता है हेलीकॉप्टर में जाना ऊपर सेकंड फेज तक 7000 रुपया। अगर आप 5-6 बंदे हो तो 7000 रुपये में आप हेलीकॉप्टर राइड भी कर रहे हो और सारा पीक वगैरह भी आपकी कवर हो जाएगी 7000 में। तो अगर आप यहाँ आएंगे तो इनसे कॉन्टैक्ट कीजिएगा। क्या नाम है आप? नॉर्थ विंड कश्मीर। तो निकली हमारी सवारी। ये रह रहे होंगे आज इनमें? हाँ और क्या, ना 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 ना, ठंड है ना, जो वापस घसा शिफ्ट। तो हम जा रहे हैं फर्स्ट फेज तक, सेकंड फेज आज क्लोज है क्योंकि बोल रहे हैं वहां पे विंड बहुत ज्यादा है, तो विंड की वजह से इन्होंने सेकंड फेज आज बंद रखा है। वो हम पहुंचे फेज फर्स्ट, यहाँ पे बर्फ बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। तो वहाँ फेज सेकंड पे बर्फ है, आप देख सकते हो वहाँ थोड़ी बहुत, वो भी थोड़ी बहुत, मतलब बहुत कम। शूट करके चलते हैं फिर सीधे वापस। यहाँ बहुत ज्यादा हवा है, विंड की वजह से सेकंड फेज बंद है। फेज फर्स्ट पे इन्होंने मस्जिद बनाई है माशाल्लाह, ये देख के मैं बहुत खुश हुआ। हमने बहुत बड़ी गलती की, यहाँ पे चढ़े हो आप उतरने का सोच रहे, कैसे उतरे, गिर जाए उतरे, चल तू मेरे शोल्डर पे, मुंह से निकल गए। उधर भाई उधर दौड़ना मत। यस, तो शूट इज डन, शूट भी हो गया, फेज वन भी हो गया, फेज टू तक थोड़ा सा हम पैदल चले ऊपर तक, तो सारा कुछ कंप्लीट हो गया। लाइट चली गई, ये तो पावर स्वाय हम फंस गए गंडोला में, बीचो बीच रुका हुआ है गंडोला, देख सकते हो आप पीछे। कोई चाय लाओ चाय कॉफी का कोई इंतजाम नहीं है यहाँ पे, है ना? हाँ बिल्कुल। ये आ गया हमारा वाजवान, ये खा के मिलते हैं आपसे। कमन गसान पदम पच आसान करोड़ी आसान इंसान शहीद का दहीद। हाँ एक बात है बेटा, ऐसा सवा नहीं, मजलूम शुक अंग्रेज शुक, मेरी चार बेटी है बेटा, कोड़ी ना बस पदे बजू